अनक्षताकारी संगच्छदम बोलो क्या है ये सुरूपै शुभो परिवार नंद को पै अजीवै जगत जीव जीवैरि विचय्य जे देव माध्यम समाधिमंगलदम ओम ह्रीं विश्वपितंग्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म नर्वपामति स्वाहा सुगंधि प्रबंध प्रबंध सुकर्पूर पूरे अमायं कसाय स्वकाय प्रहायं यजे देव माध्यम समाधिं भुगंधम ओम ह्रीं विश्वपितंग्राय संसार का विनाशनाय दिव्य चंदनम नृपामति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विषभदीतंकराय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामति स्वाहा अराजत्वाराजत्व सुराजिविराजि लसत कीर्ति जात जात्यादि पुष्पै असंगो स्वरूपं चिदानंद गोपं यजे देव माधम समाधम भुगंधम ओम ह्रीं संगम कृतानंग भंगम यजे देव माधम समाधम भुगंधम ओम ह्रीं विश्वपति तंग्राय सुपात्रस्थितैष्णै व्रतीय प्रकाशै प्रदीप्तै प्रदीपी कृता सांगनास्यै लसत्वं जनावो गुणासुन्न मध्यै यजै देव माघं समाधं भुगंधम ओं ह्रीं सर्वनाति तंग्राय महाभू अंधकार विनाशनाय दीपं नर्वपामति स्वाहा स्वमग्नौ विनिक्षिप्य दुर्गन्ध्यवन्द्यं दशाशास्य मुच्चै करोति त्रिसंध्यम् ततो धाम्मे कृष्णा गुरुरंग धूपै यजे देव माघं समाधं भुगंधम् ॐ ह्रीं श्रीं सर्वनाति तंग्राय अष्ट दुष्ट कर्म दहनाय धूपं नर्वपामति स्वाहा लसन जम्बीर नारंग निम्बू प्रपक् गोरुरंभा मुपूग प्रमुख्यै मलै सत्पानि भूत मोक्षैक वृक्षं यजे देव माघं समाधं भुगंधम् ॐ ह्रीं श्रीं सर्वनाति तंग्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलं नर्वपामति स्वाहा जगत्ताप पापप्यपोह प्रभावं सदैवादिनाथं सहर्षो यजेद्या विकल्पानुयातं सर्वैके मुक्तिं यतीयेति संसारवल्लिं निहत्य ॐ ह्रीं श्रीं सर्वनाति तंग्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घं नर्वपामति स्वाहा यस्यात्र नाम जपतः पुरुषस्य लोके पापं प्रयाति विलयं क्षण मात्र तो ही सूर्योदये रतियतातरिरस्य तां तां वन्दामि भव्य सुखदं प्रसमं जिनेशम् अब देखिए पुण्यार्जक महोदय तीनों हैं और तीन मंडल हैं आप तीनों एक साथ आ जाइए आप तीनों आ जाइए यहाँ पर क्योंकि तीनों को अर्घ समर्पित करना है तीनों मंडल पर तीनों रहेंगे तो आप तीनों को यहाँ आना चढ़ाने के लिए जी 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 अपने अपने पर चढ़ा लेंगे महाराज श्री जी महाराज जी आइए भक्तांबर सबको सब मिल जाएंगे निकाल लीजिए आप लोग साथ में मिल करके बोलेंगे और हम लोग भी साथ में आप लोग अष्ट तरफ से पूजन करेंगे जैसे पूज्य श्री का आदेश है कि 16-16 अर्घ आप लोग समर्पित कीजिए सबका एक एक मंडल पर 16-16-16 जी महाराज जी
शादी के पकड़ाना हो तो वापसी से लगे। महाराज जी 16-16 में दो भलाई हो जाएंगे। फिर जो ऐसा था ना जी, जो कुछ जोड़े बैठे हैं इनको तो बुलाएंगे बीच में एक बार कम से कम। ठीक है, 10-12 जोड़े तो हैं ही, बाकी सब सिंगल खुले खुले हैं जी, एक एक बुला लेंगे, एक एक। हाँ आइए, अभी तो तीनों पुण्यार्जक सम्मान्य श्रीमान धनेन्द्र जी साहब का परिवार एक मंडल पर, सम्मान्य श्रीमान कुलदीप जी साहब का परिवार एक मंडल पर, और श्री मनोज जी का परिवार एक मंडल पर। हाँ शुभ दिशा में हो जाइए, ए पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में आ जाइए जी। लीजिए बड़े भक्ति भाव से, भक्ता मरा प्रणते मौली मणि प्रभाणा मोद्योते कंदलित पाप तनोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालं वनं भव जले पतितां जनाना। ओम ह्रीं प्रणत देव समो मुकुटाग्र मणि द्योतिकाय महापाप अंधकार विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय परमेश्वराय अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्य अर्घं नृपमामुति स्वाहा। संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथै स्तोत्रये जगत्रकाय चेते हरे रुदारे स्तुसे किलाय मापितं प्रतिमं जिनेन्द्रम। ओम नीम गणधर चारण समस्त ऋषीन्द्र चंद्रादित्य सुरेंद्र नरेंद्र व्यंत्रेंद्र नागेंद्र चतुर्विद मुनीन्द्र स्तुत चरणारविंदाय श्री आदि परमेश्वराय अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्य अर्घम नृपमामुति बुद्ध्या विना विबुधा चित पाद पीठ स्तोतुं समोद्यते मतिर् विगतात्र पोह बालं विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या कहे क्षति जना सहसाग्रही तो। ओम ह्रीं विगत बुद्धि गर्भापहार रहित सहित श्रीमान तुंगाचार्य भक्ति सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्यार्घम नृपमामुति वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनो दति नाक्र चक्र को वातरी तुमले मंबुनिधिं भुजाभ्यां। ओम नीम त्रिभुवन गुण समुद्र चंद्रकांति मणि तेज शरीर समस्त सुरनाथ स्तुत्य श्री आदि परमेश्वराय नमः। अर्घम नृपपाम दिव्य अर्घम नृपपामति स्वाहा। सोहं तथा पिता भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवर्तः प्रीत्यात्म वीरम विचारो मृगी मृगेन्द्र नावेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं समस्त गणधरादि मुनिवर प्रतिपालक मृग बालवत् श्री आदि परमेश्वराय अल्पश्रुतं सुतवतां परिहास दाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते वलान्म यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तश्चाम्र चारु कलिका निकरै कहेतु। ओम ह्रीं जिनेन्द्र चंद्र भक्ति
सर्व सौख दुख भक्ति बहु सुखदायकाय श्री आदि परमेश्वराय अनर्ग पद प्राप्ताय दिव्य आरगंति स्वात संस्तवेन भव संतति सन्निबद्ध पापं चढ़ा छय पैति शरीर बाजा आक्रांत लोक मलिनील मसीस मासु सूर्यांशु भिन्न मिव सार्वर मंधकारं ओ प्रेम अनंत भव नद्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुगवन्तमविष्णुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा महाराज जी रिपीट हो गया ये डबल हो गया क्या बात हुई रिपीट हो गया मत्वेति नात तब संस्वतनम चिपक गया तब संस्तवनम मये रवते तनुदया पितब प्रभावा चेतो हरिष्यति सतम नलनी दलेशु मुक्ता फलाद्युतिमपैति ननोदमिन्दु ओम प्रेम श्री जिनेन्द्रस्त्वनम सत्पुरुषे चितम कराय श्री आदि परमेश्वराय अनर्गपत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा आस्तम तवस्त वनमस्त समस्त दो एक गोला चढ़ेगा पुनर यही बोलना है अस्तम तवस्त हाँ यही बोलो अष्ट कमल जलापन जल कुसुम सुगंध है नहीं बोलना नहीं महाराज जी एक पूर्ण अर्घ्य चलेगा पूर्ण अर्घ्य प्रथम बलाई के चढ़ेगा ना आठ पे प्रथम बलाई के पूजन में एक अर्घ्य समर्पित होगा महाअर्घ वो गोला के साथ जल कुसुम सुगंधई रक्षतई दीप धूपई विविध फल निवेद्यई रक्षयामि देवम सुर नर कर सेव्यम दोदानं वरेण्यम शिव शुभ सुख पद दानम प्राणिनाम प्राणनाथम ओम ब्रीम अष्टतल कमलाधिपते क्री महाबीजाक्षर संपन्ना श्री सब देवाय पूर्ण अर्घम निर्वपामति स्वाहा आस्तम तवस्त वनमस्त समस्त दोषम त्वत् संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दोरे सहस्त्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्मा करे सुजल जान विकास वांजी देखिए एक मिनट पंडित जी आप लोग भगवान की भक्ति का रहस्य नहीं जानते कितनी अच्छी बात कही आस्ताम तव अस्तवन मस्त समस्त दोषम हे भगवान आस्ताम यानी दूर रहे क्या अस्त समस्त दोषम जिसमें से संपूर्ण दोष निकल चुके हैं ऐसा निर्दोष आपका स्तवन तो दूर रहे आपकी पुण्य कथा मात्र प्राणियों के पापों को नष्ट कर लेती है उदाहरण क्या दिया दूरे सहस्र किरण किसको कहते हैं सूर्य को हजारों किरण होती 12,000 किरणें होती है तो 12,000 किरणों का स्वामी सूर्य तो बहुत दूर रहता है कितने योजन 810 योजन ऊपर रहता है और उसकी जो किरणें हैं वो मात्र सरोवरों में कमलों को विकसित करती है ओम ह्रीं जिन पूजन स्तवन कथा श्रवीण जगत्रय भव्य जीव समस्ते पापांद विनाशनाय श्री आदि सुर परमेश्वराय नरकपत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा नात्यद्भुतं भूषण नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ त्रिलोक्य गुण मंडित समस्तोपरि उपमा रहित हाँ समस्त उपमा सहिताय
श्री आदिश्वर परमेश्वर आय गम नृपापामती स्वाहा दृष्ट्वा भवन्त मन में शिवलोकनीया नान्यत्र तो समुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयाससकरादुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कैच्छे ॐ ह्रीं जिनेन्द्र दर्शन अनंत भाव खचते अग समूह विनाशनाय प्रथम श्री जिनेन्द्र अर्घम जिनेन्द्राय अर्घम नृपपामति स्वाहा बोलो संपूर्ण संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंगयन्ति ये संश्रिता त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तानिवारयति संचरतो यथेष्टम् ओम ह्रीं शुभ्र गुणातिशय रूप त्रिभुवन जिनेन्द्र गुण विराजमाना है श्री प्रसन्न दीदी दीदी पहले पद तो पद क्लियर कर लीजिए पद क्लियर कर लीजिए ए शांति राग यहाँ से बोलना क्या दो लाइने वहां की बोल गई दो लाइने यहाँ की कहाँ ए शांति राग ए शांति राग ए शांति राग बोलना दूसरी किताब ले किताब चिपक रहे पन्ने पन्ना चलब ए शांति राग रुचि भी परमाणु भी स्वम निर्मा पिता त्रिभुव नई के ललाम भूत तावंत एव कलुते पिण वा पृथेभ्याम यत्ते समान मपिरम नई रूप मस्ति ओम ब्रह्म श्री त्रिभुवन शांति स्वरूप गुणभू त्रिभुवन तिलकाय श्री आदि परमेश्वराय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा वक्त्रम क्वतेशुर नरो रग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्रितयोपमानम् बिम्बम कलंक मलिनम क्वनिसाकरस्य यद्वा सर्वे भवति पाण्डुपलासकल्पम् ओम ह्रीं त्रिलोक विजयी रूप अतिशय अनंत चंद्र तेज जिते सदा तेज पुंज मनाए श्री आदिश्वर परमेश्वराय अर्घम नृपपामति स्वाहा संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा त्रिभुवनम तव लंघयन्ति संसितास्य जगदीश्वर नाथ मेकम शुभ गुणातिशय रूप त्रिभुवन जिन जिनेन्द्र गुण विराजमाना है श्री प्रथम जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामिति चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रि शिखरं चलितं कदाचित् ओम ब्रह्म मेरुवद चल शील शिरोमणते चतुर्विध वनिता विकार रहित शील समुदाय श्री आदि परमेश्वराय नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा दीदी 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 हां जी द्वितीय भलाई की पूजन हो रही है द्वितीय भलाई पे अर्घ समर्पित कर रहे हैं ना आप ये जो सर्कल बना है राउंड पहला हो चुका था द्वितीय पे हो रहा है ठीक है ना तीनों लोग निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैल पूरा कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोसि जातु मरुतं चलिता चलाना दीपो परस्तमसिनाथ जगत प्रकाश ओम ह्रीं धूम रिस्नेह वर्त्यादि विघ्न रहित त्रिलोक परम केवल दीपकाय श्री प्रथम जिनेन्द्राय अर्घम नृपपामिति स्वाहा अब एक गोला चढ़ेगा सभी लोग हाथ में श्रीफल ले ले हत्वा कर्म रिपुन कटुतारण प्राप्तम परम केवलम ज्ञानम येन जिनेन मोक्ष फलदम प्राप्तम द्रुतम धर्मजम अर्घनात्र सपूजयामि जिनपम श्री सोमसेनस्त्वहम मुक्ति श्री सविलाशाय जिन विभो देहि प्रभो वांछितम ओम ब्रह्म षोडशतल कमलाधिपतये क्लीं महाबीजाक्षर संपन्नाय श्री वृषभ देवाय नमः पूर्णार्घम निर्वपामिति नास्तम कदाचित जो तीसरा हाँ वहाँ द्वितीय बलय में
ये जो बोला है पूरा हो गया, देख लो कोई रह तो नहीं गया। सुनो पहले सुनो बात को, तो नहीं रह गए, सारे हो गए। सुनो दोनों, ये बोला है जो महार्ग है, पहले आपने पहले बलय में समर्पित किया, अब दूसरे में समर्पित करना है, दूसरे बलय में। हाँ मंत्र भूल गया है, मंत्र भूल गया है। ओम रीम सोलस कमलाधिपते श्री क्लीम महाबीज अक्षर संपन्नाय श्री वृषभ देवाय पूर्णर्गम रूपमामुति स्वाहा। नास्तम कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः स्पष्टी करोसि सहसा युगक पर्जगन। नमो धरोधर निरोध महाप्रभाव सूर्याति साई महिमा प्रतिमनिंद्र लोके। ओम प्रीम राहु चंद्र पूजित निरावरण ज्योति रूप लोकाय लोकित सशोदयाय श्री आदि परमेश्वराय नमः। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। लोग के हाथ धुलवा दो, पहले हाथ धुलवा दो। और सिर पर पल्ला लेंगी, ओ देवी जी सिर पे पल्ला। ठीक है अभी तो डटेंगे नहीं, वो चढ़ाएंगे। हाँ सही है, अभी से कंट्रोल बच्चों को रखना पड़ेगा। सासें तो डरती हैं, सासें डरती हैं, आप डराना। हाँ सासें बहुत डरती हैं, तुम सबको डरा कर। नित्योदय कपते हैं पापड़ जैसे, यहाँ के ससुर तो बहुओं को देख के पापड़ से कपते हैं। दीदी ही ठीक रखेंगी सभी को। मैं सभी की बहुओं को देखता हूँ, इधर की हो चाहे सब। देखिए भगवान जिनाले जो है, ये जिनाले हमारे लिए आदर सम्मान के सूचक हैं। कहीं भी कुछ मत करो, लेकिन भगवान के मंदिर में आदर पूर्वक आएंगे तो हमें भी आदर मिलेगा। जैसे संस्कार आपके होंगे यहाँ उजागर हो जाते हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। सभी लोग सम्मान पूर्वक अर्घ समर्पित करेंगे। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदन से न वारिदानम विव्राजते तव मुकाब्ज मनल्प कांति विद्यो यजग जगत पूर्व ससांग बिंबम। ओम रीम नित्योदय रूप अगम्य राहु त्रिभुवन सर्व कला सहित विराजमान आए श्री आदि परमेश्वराय नमः। अर्घम रूपमामुति सर्वरीशुशशिनानि विवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दु दलिते सुतमः सुनाता। निष्पन्न शानि वन सालन जीव लोके कार्य किय जलधरै जन भार मम्रे। ओम रीम श्री चंद्र सूर्योदयास्तर दिवाकर रहित परम केवल उदय सदा दीप्ति विराजमानाय श्री आदि परमेश्वराय परमेश्वराय नमः। अर्घम रूपमामुति स्वाहा। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरा सुनायकेषु तेजो महामणि सुयाति यथा महत्वं नैवं सुकाच सकुलै किरणाकुलेऽपि। ओम रीम हरिहरादि ज्ञान रहते परम ज्योति केवल ज्ञान सहिताय आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। मन्ये वरम हरिहरा दयैव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवतां भुवि येन नान्यः कश्चिन् नाथ भवान्तरेऽपि। ओम रीम त्रिभुवन मनोमोहन जिनेन्द्र रूपान दृष्टान रहित परम पंडिता श्री आदि ईश्वर परमेश्वर राय अर्घम निर्वपामति स्वाहा।
त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वो दिशो तदति भानि गजरश्मिं सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेवति जनयति स्फुरिदं सुजालम् ओम ह्रीं जिन पर माता जनित जिनेन्द्र पूर्व दिग भास्कर केवल ज्ञान भास्कराय श्री आदि ब्रह्मजनाय अर्घम नृपपामति स्वाहा त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्य वर्ण ममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृत्यु नान्यः शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्र पंता। देखो प्रदीप जी बहुत अच्छी बात कही कि हे भगवान महामुनि जन आपके लिए परम पुरुष मानते हैं, आपको आदित्य वर्ण यानी सूर्य वर्ण लाल रंग का मानते हैं, अमल निर्दोष और अंधकार यानी मोह रूपी अंधकार से रहित मानते हैं। ऐसे लक्षणों से युक्त हे भगवान स्वाम एव आपको प्राप्त करके कैसे सम्यक उपलब्ध अच्छी तरह से जिन्होंने आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लिया है वे मृत्यु को भी जीत लेते हैं। क्या करते हैं? मृत्यु को भी जीत लेते हैं। यदि मृत्यु सैया पर कोई जीव पड़ा है और अच्छी तरह से भावपूर्वक डूब करके भगवान के गुणों में उनका स्मरण करता है तो मृत्यु को जीत करके वो पुनः अपने पलंग से स्वस्थ होकर के उठ जाता है। भगवान की प्राप्ति का भक्ति का ये फल है, क्योंकि शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथा शिवा न अन्या। हे भगवान मोक्ष मार्ग को बतलाने वाला आपसे और दूसरा कोई भी मुनीन्द्र नहीं है जो मोक्ष के कल्याणकारी मार्ग को बतला सके। ओम ह्रीं त्रिलोक पावनादित्य वर्ण परमाष्टोत्तर सत लक्षण बनाओ सत्य व्याजोपेताय श्री आदिना जिनेन्द्राय अर्घम नृपपामति। आदित्य वर्ण क्यों कहा? क्योंकि भगवान आदिनाथ का रंग तपे हुए स्वर्ण के समान था, तो तपा हुआ स्वर्ण ऐसा लगता है जैसे उगता हुआ सूर्य होता है। कभी उठ के देखना, सुबह सुबह उठा ही नहीं होगा। दिल्ली वालों ने तो उगते सूर्य को शायद ही किसी ने पहले देखा हो, अब तो देखा ही नहीं होगा। देखा है भैया वीरेंद्र उगते सूर्य को? देखा है कानपुर में? हाँ, दिल्ली में नहीं देखा। नहीं, नैनीताल घूमने गए थे जब देखा। हाँ, वो सनसेट सनराइज देखने गए थे। वैसे अपने कमरे में नहीं देखा होगा ना उठ के। त्वामाव्ययम् विभुम चिन्त्यमसंख्य माध्यम ब्रह्माण्डमीश्वर अनंत मनंग केतुम् योगीश्वरं विदिते योग मनेकमेकं ज्ञानस्वरूप ममलं प्रवदन्ति संतः। बुद्ध शंकर शेषधर ब्रह्मा नाम सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम नृपपामति स्वाहा। गोला चढ़ेगा, गोला ले लेंगे हाथ में श्रीफल। कैसे 24 हो गए ना? अब एक काम हो सकता है क्या? यू सिंगल सिंगल जोड़े को हाँ बुला लेते, कोई बात नहीं। नाना विघ्न हरम प्रताप जनकम संसार पार प्रदम संस्तुत्यं श्रीदं करोमि सततम् श्री सोमसेनोऽप्यहम् पूर्णमुदा सुभगं सुखदम् आदीश्वराख्या परम् हीरा पंडित सुपरोधवसतः स्तोत्रस्य पूजा विधम् ओम ब्रिम चतुर्विंशति दल कमलाधिपतये
क्लीं महाबीजाक्षर संपन्नाय श्री वृषभ देवाय नमः पूर्णार्घं निर्वपामिति स्वाहा। इनको तो खड़ा ही रहने दो, इनको बिठा दे। कोरोना सोशल डिस्टेंस से बनाओ बहन जी, ये सोशल डिस्टेंस है, इसमें कोई हाँ, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे। हाँ, सोशल डिस्टेंस है, एक एक अर्ग जोड़े से चढ़ाते चले जाएंगे, करीब 20x20 एक जोड़े दिखाई दे रहे हैं। आ जा भाई पवन जी, उठो वीरेंद्र, एक एक आ जाओ। कौन कौन है जोड़े वाले, अपने आप उठ के आ जाओ। श्रीमान पवन जी, श्रीमान श्रीमती अनीता जी, दीदी तीन मंडल हैं, तीन जोड़े आ जाइए एक साथ। हाँ, ऐसे भी तीन मंडल हैं, तीन जोड़े। वीरेंद्र और अमर कौन है, उठा लो, आ जाओ। श्रीमान सम्मान्य वीरेंद्र जी, आप आ जाइए। अमर जी आ जाओ। हाँ हाँ, आप आ जाइए। सम्मान्य श्रीमान वीरेंद्र जी साहब, आप आ जाइए। श्रीमान पवन जी साहब, आपका परिवार, एक जोड़ा और आ जाइए। हाँ श्रीमान राजेश्वरी जी, आप आ जाओ, पवन के साथ खड़ी हो जाएगी। माजी माजी को ले लो, वीरेंद्र साहब माजी को ले लो। रिकॉर्डिंग हो रही थोड़े से। को विस्मयो त्रयधिना, एक एक अर्घ चढ़वाइएगा, बिठा एक एक अर्घ चढ़ाएंगे, एक एक अर्घ चढ़ाएंगे, फिर दूसरे में। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधार, त्वं संकरोषि भुवन त्रय संकरत्वात्, दाता से धीर शिव मार्ग विधे प्रधानात्, व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमौसिं। ओम रीम बुद्धि शंकर शेषधर ब्रह्म नाम सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तुभ्यं नमः त्रिभुवनम् विहाराय नाथ, तुभ्यं नमः चित्तरामन भूषणाय, तुभ्यं नमः जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन बाबो दधी शोषणाय। तीन जोड़े और आ जाओ। दीदी सुनो ना, दीदी सुनो तो मेरी बात सुनो। कुलदीप भाई सुनने बैठे हम, पवन जी ने ऐसे भाव ये भी जगाए कि चांदी के मांडले पर ही अगला विधान करना चाहता हूं, तो मेरी ओर से चांदी का मांडला भक्तांबर जी का बना दिया जाए। अरे बाप, सोने के कटोरे। शांतिनाथ भगवान की और किसी की इच्छा हो तो तैयार कर लो, पायल भक्तांबर, तीन जोड़े आ जाएंगे। शांतिनाथ विधान और एक और बहुत कल्याण मंदिर, पंच परमी कल्याण मंदिर, हाँ संकट हरण, एक कल्याण मंदिर, तीन अभी कर लीजिए आज इनकी। यही तो कहते कमाल है, आप सोचते कुछ भी नहीं निर्माण विहार में। हाँ, ये अनीता जी ने कहा कि बनाना है, पवन जी कहते हैं एक तुम्हारी भी चाची हो गई, धन्ना का मंडल ले ले इधर, चल चाची तो बनी गई। श्रीमती अंजू जैन की ओर से भी एक शांतिनाथ मंडल विधान। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अब कौन सा कल्याण मंदिर, तीसरा कल्याण मंदिर मंडल विधान, भगवान पार्श्वनाथ का, जिसकी इच्छा हो कर लीजिए विधान, जिस पर होगा और जितने भी विधान होंगे इसका किसकी ओर से है, अमर जी की ओर से। अमर जी बोलेंगे तो बोलेंगे, मुंह से बोलिए क्या, मुंह से बोलो। तीसरा मंडल विधान श्रीमान अमर कुमार जी और निशा जैन की ओर से होगा, लेकिन एक बात है, जब भी मंडल विधान होगा तत्काल उसकी राशि पहुंचा दी जाए, कोई आपको फोन नहीं करेगा,
बार बार फोन करना अच्छा नहीं। जब जब मंडल विधान तैयार हुआ आपको एक सूचना दी जाएगी कि आपका मंडल विधान तैयार हो गया, उसकी राशि तत्काल मंदिर में पहुंचा दी जाए। तीनों भाइयों से निवेदन है, कोई भी किसी से इस मंडल जी के लिए और किसी भी चीज के लिए बार बार फोन नहीं करेगा। बनवा के भी दे सकते हैं, नहीं नहीं भैया, एक साथ तीनों मंडल बनवा लीजिए और जिसकी जो राशि है वो दे दे। डिजाइन तय कर लो बस, और शुद्धि के साथ क्या बोलते हैं चक्र चेक करना पड़ेगा, प्रूफ दीदी चेक करेंगी, उसके बाद बनेगा। मंत्र होते हैं। शांति विधान किसकी तरफ से हुआ? समय ओम रीम क्लीम शांति नाथे बैठे। शांति विधान श्रीमती अंजू जैन की ओर से है। आदिनाथ भगवान श्री पवन भक्तामर जी का विधान पवन कुमार जी की ओर से है, और तीसरा अमर कुमार जी की ओर से यह कल्याण मंदिर मंडल विधान, कल्याण मंदिर मंडल विधान, संकट मोचक भगवान पार्श्वनाथ का मंडल विधान तैयार किया जाएगा। और आप सभी लोग इनकी अनुमोदना के लिए क्या बोल रहे हो महाराज जी, दिवाली के पहले तैयार करा लो तो एक हाँ दिवाली के पहले तैयार हो जाए तो एक एक विधान हम उस पर कर ले, शुद्धि पूर्वक महाराज श्री के सानिध्य में एक एक विधान उस पर अवश्य करेंगे। एक बुलक बोलो दो चल रहा है माइक में, दिवाली से पहले भी हो सकता है, नवरात्रि बहुत 20 दिन में है, ये तो 20 दिन में अमेरिका लंदन घूम के आ जाते लोग। आप शुद्ध कर दीजिए कागज पर बस, ठीक है ठीक है। खैर जो कंप्रोमाइज होता हो कारीगरों से हो जाएगा, करवा लेंगे भैया फटाफट जल्दी करवा लेंगे। चलिए अब चढ़ल गुलाल ले लो, अब मंडल पर अर्घ चढ़ाने के लिए आगे आप लोग आ जाइए, सेकंड बैच में से आ जाइए, जोड़े के साथ आइए, जोड़े के साथ आप लोग जल्दी आ जा, जोड़े जोड़े बना ले, ये भी गई ठीक है। चलिए उठ क्यों गए बैठ गए जोड़े से, एक ही बात कहना लोग। अच्छा जिन जिन ने विधान बोला है एक एक और यहाँ पर अर्घ समर्पित करेंगे, आइए श्रीमान पवन जी और श्रीमती अंजू जैन चलिए। ओम रीम अधोलोक मध्यलोक ऊर्धलोक लोकत्र कृत आहार ओ रात्रि नमस्कार समस्तार्थ रौद्र विनाशक भुवनेश्वराय भवोदधि तारण तरण समर्थाय श्री आदि परमेश्वराय नमः अर्घम रपमामुति कोविस्मयोत्र। एक बात कह देता हूँ, जब अर्घ चढ़ाते हैं मंडल पर ना तो दोनों हाथ से चढ़ाना, किताब अपने वहां रखाना बहुत आदर से, ये लंदन में देख रहे लोग तो दोनों हाथ से अर्घ भेंट करना, किताब वही रख के आया करो आगे वाले लोग। को भीष्मयोत्र यदि नाम गुणैरसि सैः त्वं संसृतो निरवका सतया मुनीश दोषैरुपात विविधा श्रय जाते गर्वैः स्वप्नांतरे न कदा चिदपीक्षितोसी। बोलले लो सब, ओम रीम परम गुण गुणाश्रित गुणाश्रित ताव गुणान प्राणाश्रित श्री आदि परमेश्वराय नमः अर्घम रपमामुति स्वाहा। देखिए एक साथ मत खड़े हो प्लीज, बच्चों को थोड़ा सा पीछे कर लो, देवों के बच्चे कब से हो गए भैया, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। देखो ये मंडल जी कोई आसान मंडल नहीं है, ये बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है, बच्चों को नहीं, तीन जोड़े बोले हैं तो तीन ही जोड़े आए, भीड़ मत कीजिए प्लीज। देखिए थोड़ा सा हमारे अनुशासन बिगड़ेगा तो फिर सारे काम बिगड़ जाएंगे, शेष चार दिन बचे हैं, चार दिन को हमें ज़्यादा अच्छी तरह संभाल करके पूजा करनी है। देखिए ऐसा नहीं है कि हमें बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। सुनो ना, जोड़ा और राजा कौन है? सिर पर पल्ला लेंगे भाई, सिर पर पल्ला लेंगे। उच्च रसो के तरु संस्कृत मुन्मयूख माँ भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत्किरण मस्त तमो वितानम बिंबं रवेरिवपयो धरु पार्श्ववर्ती। ओम प्रीम अशोक वृक्ष प्रातहार सहिताय श्री आदि परमेश्वराय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सिंह
सिंहासने मणिमयूख सिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकन कावदातम बिंबं विलसदं सुलता वितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्रदस्मे। ओम रीम सिंहासन प्रातिहार सहिता श्री प्रथम जिनेन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। दावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल धौत कांतम उद्यक्ष सांक सुचि निर्जन वारी धारा मोचै स्तटम सुर गिरे निभुषात कंभम। ओम ब्रीम चतुष्षष्ठी चामर प्रातिहार सहिता श्री प्रथम जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मोचै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ता फल प्रकर जाल विव्रत शोभम। आइए जिसका नंबर प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वम। देखिए टाइम भी मैनेज करना है आप। हाँ आप आ जाइए यहीं रहिए। देखिए टाइम भी मैनेज करना है, एक विधान और करना है तो आप यहाँ जैसे ही आप अभी कोई बोले। अभी कोई भाई बहन रह गया हो सिंगल जो 10 दिन बैठ रहे वो वाले 10 दिन वाले जो हो सिंगल उनको बुला लेंगे। 10 दिन लगातार बैठने वाले हो लीजिए अर्घ लीजिए। सम्मानित श्रीमान कुलदीप जी साहब अर्घ लीजिए। तीनों मंडल पर अर्घ चढ़ाना। तीनों आ जाइए तीनों। ये बच्चे को बुलाओ 10 दिन तक बिठाना है आप। चला देंगे ना लास्ट चला देंगे। कुलदीप इस बच्चे को बुलाओ 10 दिन विधान में आएगी आध घंटे। चलो आ जाओ बेटा चलो। दीदी एक मिनट अर्घ तो चढ़ा ले लीजिए अर्घ एक एक मंडल पर। ओम रीम छत्रात्रय प्रातिहार सहिता श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। लीजिए दीदी छत्रात्रयम् तव विभाति शशांक कांत मोचै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम मोक्ता फल प्रकर जाल विव्रत शोभम प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वम। ओम रीम श्री छत्रात्राय प्रातिहार सहिता श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। गंभीर तार रब पूरित दीक विभागस त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष सधर्म राज जय गो कोटिवादी प्रातिहार सहिता श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। मंदार सुंदर नमेर तो पारी जाता संतान कादि को सुबह कर व्रजि रोधा गंदोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्यादि वह पतति ते वय शांतति समस्त पुष्प जाति वृष्टि प्रातिहार सहिता श्री प्रथम जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सुंदर प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते
लोकत्रयी द्युतिमता द्युतिमाक्षिपन्ती प्रोद्यति वाकरनिरन्तरभूरिसंख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्या। ओम ह्रीं कोटि भास्कर प्रभा मंडल भा मंडल प्रातिहार सहिता श्री परमादित्यजिनाय अर्घ्यं नृपपामति स्वाहा। स्वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तत्व कथनै कपटो स्त्रीलोक्या देव्याध्वनि भवति ते विशिदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। ओम ह्रीं श्री जलधर पटल गर्जित ध्वनि योजन प्रमाण प्रातिहार सहिता श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं नृपपामति स्वाहा। उन्नींद्र हे मंडप पंकज पुंज कांति परियुल्ल सन्न खमयु शिखा विराम दो पदान तब यात्र जिनेन्द्र धाता पद्मामिता त्रिविबुदा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं हेम कमलो परिकृत गमन देव कृते अतिशय सहिता श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं नृपपामति स्वाहा। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य यादेक प्रभातिं कृता प्रेतांधकार तादृक्रतो ग्रहणस्य विकासिनोऽपि। ॐ ह्रीं धर्मोपदेशमे समोसरण विभूति मण्डिताय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं नृपपामति। श्योतन्मदाभिल विलोल कपोल मूला वाता भ्रम भ्रमरनाद विव्रद कोपम ऐरावताव विमगोदत मापतं दृष्ट्वा वयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ॐ ह्रीं श्री मस्तकृते मदस्वरंकर गजेन्द्र महादुर्धर भय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं नृपपामति स्वाहा। कुम्भगल दुज्ज्वल शोणितात मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग क्रमागतम हरिणादि नाक्रामती क्रमयोगयाचन संग्रतं ते। ओम ह्रीं श्री आदि देव नाम प्रसादात महा सिंह भय विनाशकाय श्री युगादि देव परमेश्वराय अर्घ्यं नृपपामति स्वाहा। कल्पांत काल पवनोद्यत वन्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमो ज्वलमोत्स्फुलिंगम् विश्वं जगेष्टुमिक सम्मुखमापतं तं त्वं नाम कीर्तन जलं समयत्सशेषम्। ॐ ह्रीं विश्वभक्षण समर्थ महावहन्य विनाशकाय जिनामजलाय जिन नाम जलाय श्री आदि ब्रह्मणे अर्घ्यं नृपपामति स्वाहा। रक्तीक्षणं समत कोकिल कंठ नीलम् क्रोधोद्यतं फणिनमोत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयोगेन निरस्य संगम् तं नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसा। ओम ह्रीं रक्त नयन सर्प जिन नाम नागदमनी औषधिय समस्त भव विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं नृपपामति स्वाहा। बलगतुरंग
गज गर्जित भीमनादा बाजौ बलम बलवतामपि भूपतिना होतं दिवाकरमयोग शिखापवेदम् तत्कीर्तनातम इवा सुमिवामुपैति ॐ ब्रह्मा संग्राम भय विनाशकाय सर्वांग क्षणंकराय सर्वांग क्षणंकराय श्री प्रथम जिनेन्द्राय हरघम नृपपामति स्वाहाग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह बेगावतार तरण तुरयोध भीमे युते जयम विजित दुर्जय जय पक्षास तत्पाद मंगज वाना श्रेणो लभन्ते ओम ब्रह्मारि उदिति जय प्रापकाय प्रापकाय श्री आदि प्रसवीश्वराय अर्घम नृपपामति स्वाहा निधो क्षुभित भीषण नाग्र चक्र पाठी न पीठ भय दोल्वन वाड़ वाग्नौ रंगा तरंग शिखर स्थित यान पात्र त्रासं विहाय भवता स्मरणाग्रजंती ओम ब्रीम श्री महासमुद्र चलते बाते महादुर्जय भय विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम नृपपामति स्वाहा उद्भूत भीषण जलो दरभार भोगना सोच्याम दशामुपगता स्युत जीवतासा देख देहा मर्त्याभव ते मकर ध्वज तुल्य रूप ओम ब्रीम दस ताप जलंधरास्ति दस कुष्ठ सन्निपात महारोग विनाशकाय पर कामदेव रूप लक्ष्मी दायकादि जिनेश्वराय नमः अर्घम निर्वपामिति जय बोलिए कुंडलपुर वाले बड़े आपाद कंठ मरु श्रृंखल वेष्टि दांगा गाढ़ं ब्रहन्नि गड़ तम नाम मंत्र मनिषम मनुजागरंत सग स्वयं विगत बंद भया अभन्ति रास्ता करवा के आ जाओ 46 रास्ता बना के 46 जी दीदी जी ओम ब्रीम महाबंधन आपद कंड पर्यन बैरी कृतो भद्रो भय विघात काय श्री आदि परमेश्वराय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम नृपपामिति स्वाहा माता दीपेंद्र मगराज दबान लागे संग्राम वारिद महो दरवंद नोदम तस्यासु नासि मुपयाति भयं भेवे एस्तापकं सममिमं मतिमान धीते एस्ताबिकं मिस्तिमिमं मतिमान धीते ओम ब्रीम सिंह गजेंद्र राक्षस भूत पिशाच शाकिनी रिपु जप परमोद्रव
विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घम निर्वपामति श्रोत्रोजं तब जिनेन्द्र गुणैर्निबन्धा भक्त्यामया विविद वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यये कंठे गलाम जस तम्पाल तुंग मवसा स्वमपैत लक्ष्मी तम्मान तुंग ममुसा स्वमपैत लक्ष्मी तम्मान तुंग ममुसा स्वमपैत लक्ष्मी ओम रीम पठन पाठन श्रोतव्य श्रद्धावन श्रीमान तुंगाचारादि समस्त जीव कल्याणदाय श्री आदि परमेश्वराय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम अर्घम निर्वपामति बोलि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज की परम पूज उपाध्याय गुप्ती सागर जी मुनिराज की पूर्ण अर्घ लीजिए एक हाँ लीजिए एक अर्घ लीजिए हाँ बर सुगंध सुतन्नुल पुष्प गई प्रवर मोदक दीप सुधूप गई फल वरे परमात्म प्रवर्तकम प्रभु जी जी जय दम धन दम जिनम ओम रीम गोला ले लीजिए तीनों मंडल पर गोला ओम रीम अश्चत्वारिंशद कमलाधिपते क्ली महाबीजाक्षर संपन्नाय श्री सब देवाय पूर्ण अर्घम नर्वपामते स्वाहा। अब ध्यान दीजिए महानुभाव श्री भक्तांबाजी महामंडल विधान में जितने समस्त श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित हैं उन सभी से एक थाली में एक अर्घ लीजिए गोला लीजिए सभी से हाथ लगवा लीजिए तीन गोला लीजिए तीन मंडल हैं तीन गोला ले लीजिए जयमाल एक होगी और मंडल तीन हैं और तीनों मंडल पर तीन गोला समर्पित होंगे आप सभी की ओर से अपने स्थान पर खड़े हो जाइए बड़े भक्तिभाव से है जयमाला और हाथ लगा लीजिए गोला में आइए दो चश्मा रखो एक पास का एक दूर दो चश्मा लगा पास का दूर का दो चश्मा रखो कल कल क्या है कल कल शांतिनाथ विधान तो चली जाए सतोरी कल देखिए धर्म स्नेह बंधु हो जब विशुद्धि बनी रही है तो कल शांतिनाथ भगवान का ठीक है कल आपके लिए ब्रेक देता हूँ भक्तांबर में थक गए हैं देखिए थोड़ी में थक गए तो कमाल कर दिया परसों फिर ऐसा करते हैं अगर आपका मन है तो अपने अपने नाम नोट करा दीजिए 11 मंडल 11 मंडल के साथ पूरे देश में हलचली मच रही तो मचने ही दो कि निर्माण विहार में क्या आनंद आ रहा है 11 मंडल लगा करके बहुत ही आनंद का वातावरण बहुत ही विशुद्धतर परिणाम और पूरे देश के लिए मार्गदर्शन आप लोग ही सब मिलकर के तीर्थंकर महावीर के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं इसलिए आप अपने अपने
भावों के अनुसार कल की आपको बीच में ब्रिक है, तैयार कर लीजिए नाव। लीजिए जयमाल निकाल लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 59। ठीक, चलिए आगे बढ़िए पंडित जी। अखंडे प्रचंडे पतामे स्वभावम निराकार मुच्चैरनन्ते स्वभावम स्वभावाचतुर्विभावम स्वभावाय वन्दे वरं देव माद्यम महामोहे संदोहे संदोहे द्वारम विकारम प्रसारम प्रहारम विचारम अनल्पम विकल्पम च संकल्पकल्पम त्यजन्तम यदि रातिमोद्योते जल्पम विकायम विमायम सदा निष्कषायम ज्वलाग्रानुदासे ज्वलद्राग रोषादि दोषव्यपायम् अलोकम् च लोकम् समालोकयन्तम् भजेनादिसूनम् समुद्योतयन्तम् जरा जन्मे मृत्योऽव्यपेतम् गुणेदम् समुद्र वियोगं विरोगं वियोगाव्यतीतं भजेनाभिसूनुं सुसर्मा प्रतीतं लसद्द्रव्यपर्यायरूपं अरङ्गं यथा क्याप्यचारे त्रिमुच्चैश्चरङ्गं चिदानन्दकन्दं जगत्तापिकं भजेनाभिसूनुं मुदेवद्यवन्दम् गदाग्रान्यमालं विदुरचित्तविशालं विताराविदालं विनष्टाङ्गालम् मुनिध्येयरूपं त्रिलोकैकभूपं यजेनाभिसूनुं सुखागादकूपम् अमेय प्रमेय प्रमायि प्रमाणं सहायं भेक्षं विदुत्प्रामाणम् अनेकं सदेकं प्रसर्पद्विवेकं भजेनाभिसूनुं गुणारामसेकम् जगत्पापवल्ली सदारादुदास महासुरवापुरसम्पूरितासम् असम्बन्धबन्धं शिवालीनिबन्धा भजेनाभिसूनुं विशेषप्रबन्धम् प्रतिष्ठं प्रतिष्ठत् प्रतिष्ठं यजेनाभिसूनुं गरिष्ठं वरिष्ठं यजन्त्यं राजमन्दं विदन्तं हृदन्तं सुदानादिनादं चिदानन्दकन्दं स्वरूपोपलब्धिं यदीयाध्वमन्दे निनीशाध्वमेनम् ॐ त्रिदेवादिदेवृषभनाथाय अनर्घपदप्राप्ताय जय माला सम्पूर्ण अर्घं नरवपामिति ॐ ह्रीं श्रीदेवादिदेव वृषभनाथाय अनर्घपद प्राप्ताय जय माला संपूर्ण अर्घम निरवपामति ओम ह्रीं श्रीदेवादिदेव वृषभनाथाय अनर्घपद प्राप्ताय जय माला संपूर्ण अर्घम
गंधर्व पामति दीर्घायुरस्तु शुभमस्तु सुकीर्तिरस्तु सद्बुद्धिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु आरोग्यमस्तु विजयोस्तु महोस्तु पुत्र पौत्रोद्भवोस्तु तव नाभिसुत प्रसादा। चलिए सभी लोग जल्दी बैठ जाएं, टाइम बहुत हो चुका है। 9 बार जाप कर लें जी। सभी लोग मिलकर 9 जाप करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें। ओम ब्रीम श्री क्लीम अरहम श्री वृषभनाथ तीर्थंकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीम श्री क्लीम अरहम श्री वृषभनाथाय तीर्थंकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीम श्री क्लीम अरहम श्री वृषभनाथाय तीर्थंकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीम श्री क्लीम अरहम श्री वृषभनाथाय तीर्थंकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीम श्री क्लीम अरहम श्री वृषभनाथाय तीर्थंकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीम श्री क्लीम अरहम श्री वृषभनाथाय तीर्थंकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीम श्री क्लीम अरहम श्री वृषभनाथाय तीर्थंकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीम श्री क्लीम अरहम श्री वृषभनाथाय तीर्थंकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जय बोली श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोली श्री मानु तुंगाचार्य मुनि महाराज जी की।